वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से आप बस की टिकट बुक कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से बस की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस एप्लीकेशन से बस की टिकट बुक करनी है, एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ऐप ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन में अकाउंट बना के ओपन करेंगे फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बस की टिकट बुक करने के लिए ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बस और ट्रेन का। तो बस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ट्रेन और बस का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे फिर नीचे ऊपर की तरफ दो ऑप्शन आ जाएंगे ट्रेन और बस का। तो सिंपली आपको बस बुकिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर की तरफ दो ऑप्शन आएंगे फ्रॉम और टू का। फ्रॉम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप कहाँ पर हो वो सिंपली ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ऐसे आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ टू का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कहाँ पर जाना चाहते वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे की तरफ डेट आएगी, डेट सेलेक्ट करनी है, आप कितनी तारीख को जाना चाहते हैं डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सर्च बस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे सर्च बस पर क्लिक करेंगे जो भी बस अवेलेबल रहेगी वो बस आपके सामने आ जाएगी। उन बस का आप टाइम दे आपको बता देगा, जितनी भी प्राइस रहेगी टिकट की वो बता देगी। जिस किसी बस में जाना चाहते उस टिकट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे जिस किसी बस में जाना चाहते उस टाइम के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे उस बस के ऊपर, फिर यहाँ पर जो भी सीट रहेगी वो सीट आपके सामने आ जाएगी। जो भी सीट खाली रहेगी उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे की तरफ एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेंगे फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपने जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डाल लेना है। यहाँ पर अपना नाम डालने के बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी एज है एज डालनी है, जो भी आपका जेंडर है जेंडर डाल लेना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डाल लेनी है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप पेमेंट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपका जो भी टिकट रहेगा वहाँ पर कन्फर्म बुक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन से बस की टिकट कुछ इस प्रकार से बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।